जय हिंद दोस्तों। आज निशुल्क क्लास शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के विविध के पाठ्यक्रम में एक और अगला अध्याय लेकर आए हैं। अगर आप भविष्य में सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं, जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए एक 50 नंबर में 30 नंबर की विविध, फिर 10 नंबर का सामान्य अध्ययन, 10 नंबर विज्ञान की इन महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मैं दुर्गेश सर निःशुल्क आपके लिए लाइव लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप इस सीजन को पढ़ने के साथ साथ इसे नोट डाउन करेंगे तो आपका परीक्षा में हूबहू प्रश्न यहाँ से बनेंगे। जो ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से प्रायः 4 से 5 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कॉपी कलम लेकर साथ में नोट करते चलेगा, क्योंकि इस क्लास के बाद आप देखेंगे आपके पास एक विविध की, एक जीएस की, एक साइंस की बेहतर नोट्स होगी जो आपको सिलेक्शन के और नजदीक लेकर चलेगी। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट कर बताएं, फॉसिल ईंधन के जलने से मृदा प्रदूषण नहीं होगा, जल प्रदूषण नहीं होगा, वायु प्रदूषण होगा, या आपको एकदम आसान प्रश्न है, जैसे अगर कोयला जला रहे हैं हम, प्राकृतिक गैस जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, तो यहां पर जो जलेगा उससे कौन सा प्रदूषण होगा, उससे एकमात्र जो प्रदूषण होगा उसका नाम है वायु प्रदूषण। इसलिए इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का विकल्प सी राइट आंसर है। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब सही हैं और हम एक एक कर कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चाहे तो आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव, पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म होना है, इसका क्या कारण है। एकदम आसान प्रश्न, ये पर्यावरण के अध्ययन का प्रश्न है, ये आपके सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, ये आपके विविध की सीरीज में है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, ऐसे प्रश्न का जवाब आपको जरूर देना होगा, खासकर शिक्षक भर्ती के लिए रामबाण है। ग्रीन हाउस प्रभाव, पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना क्या कारण है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यक्ष किरणें और वायु किरणें नहीं होती, परावैज्ञानिक किरणें नहीं होती। इसके लिए आपने देखा होगा, आपने जाना होगा कि O3 माने ओजोन गैस परावैज्ञानिक किरणों को रोकने का काम करती है, जबकि जो अवरक्त किरणें होती हैं, जी हाँ साथियों, ये अवरक्त किरणें होती हैं जो अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म करती हैं। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो CO2 है, CH4 है, ऐसे बहुत सारे गैस हैं जिन्हें हम अवरक्त किरणें कहते हैं। ये सूर्य से आने वाली प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी की हीटिंग पावर बढ़ जाती है, इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, और वायुमंडल गर्म होने लगता है। इसलिए ऐसे प्रश्न का उत्तर सी होगा। जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर सी दिया था उन सभी के जवाब सही हैं। चलिए अगर आप लोग को प्रश्न पढ़ने में लगाने मजा आ रहा हो तो पहला काम वीडियो को लाइक करके सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, अपनी जिम्मेदारी मानिएगा, जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी मानकर आपके बीच समय से लाइव आता हूँ, सारे काम छोड़कर, वैसे आपकी इतनी जिम्मेदारी है एक शिक्षक बनने के नाते। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इसे अपने फेसबुक पेज, अपने व्हाट्सएप, इंस्टा स्टेटस, जहां भी हो सके इसे जरूर पहुंचाइएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकन वैली कहा जाता है। एकदम आसान प्रश्न है, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हैं तो इसका मतलब आप सरकारी नौकरी के करीब पहुंच रहे हैं। तो बताइए भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये निःशुल्क शिक्षा आपके लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है, क्योंकि आप यहां से पढ़कर देश की वह नींव मजबूत करेंगे जहां से नौनिहाल बच्चे बाहर आते हैं। भारत की जो सिलिकॉन वैली है, एकदम राइट आंसर आप लोगों ने बताया है, वो आपकी बंगलुरु है। जी हाँ, बंगलुरु इस प्रश्न का सही जवाब है। जिन साथियों ने इसका उत्तर बंगलुरु दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। जबकि भारत की सूचना कर्नाटक राज्य की राजधानी है, याद रखिएगा, भारत की कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है, बंगलुरु है। इसे भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संबंधित अनेक प्रतिष्ठान कंपनियां इस बंगलुरु में है, इसलिए इसे भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, और आपने सपोर्ट किया उसके लिए आपको सहृदय धन्यवाद हम देना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, पर्ल सिटी किसे कहते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पर्ल
पर्ल सिटी किसे कहते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें और जवाब दें कि पर्ल सिटी किसे कहते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, पर्ल सिटी किसे कहते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? देखिए, पर्ल सिटी की बात करें, जहां पे हीरा मोती का व्यापार होता है, इसलिए इस प्रश्न का अगर आप सही उत्तर देना चाहेंगे तो हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, हैदराबाद होगा, एकदम राइट आप लोगों ने बताया है, सही जवाब आप लोगों ने दिया है, हैदराबाद। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, विविध की महाभारत सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? एकदम आसान सा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे। जो ईंट बनती है वह किस मृदा से बनती है? यह उपजाऊ नहीं होती, तो ध्यान दीजिएगा, लाल पीली उपजाऊ होती है, लवणी उपजाऊ होती है, पिट में कार्बनिक उपजाऊ होती है, लेकिन लैटेराइट मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए इसका प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी का राइट आंसर होगा। इसमें खाद उर्वरक की ज्यादा मात्रा डालनी पड़ती है, इसलिए मृदाओं में इस प्रकार की मिट्टी से, लैटेराइट से प्रायः ईंट का निर्माण किया जाता है। ऐसे प्रश्न को आपको बार बार समझना पड़ेगा। सरकारी शिक्षक बनना है, गवर्नमेंट नौकरी करनी है, तो आपको इन सभी तथ्यों को कॉपी में लिखते चलना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है, आपको देखना है सबसे पहला जवाब किसका आता है। 10 सेकंड आपके पास है। सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? सभी साथी कमेंट करके बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, भट्टा किसे कहते हैं, RCC किसे कहते हैं, कंक्रीट किसे कहते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर एकदम आसान है, ये गारा या मसाला के नाम से जानते हैं। कंक्रीट क्या होता है? छतों पर रखे जाते हैं, RCC की ढलाई होती है गारा से। भट्टा क्या होता है? जहां ईंट बनता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह सी का राइट आंसर होगा, सी प्रश्न का सही जवाब होगा। एकदम सिलेक्शन वाली क्लास है, शिक्षक बनने के लिए, सरकारी शिक्षक बनने के लिए ये क्लास आपके रामबाण का काम करती है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग धैर्य रखे रहिएगा, कॉपी कलम से लिखते चलिएगा, एक बेहतर नोट्स तैयार होगी क्लास के अंत में। अगला प्रश्न है आपका, ब्राउन पेपर किसे कहते हैं? बहुत ही यूनिक प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, प्रतिदिन 9:30 बजे अलार्म लगा लें। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो, और इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ही लेनी मित्र के। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, निशुल्क क्लास आपके लिए है, ब्राउन पेपर कहा जाता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, ब्राउन पेपर किसे कहते हैं? जी हाँ, एकदम राइट आंसर है कि ब्राउन पेपर जूट को कहा जाता है, जूट इसका राइट आंसर होगा। ठीक, और ये नगदी फसल के अंतर्गत भी आता है, नगदी फसल कपास, जूट, गन्ना सभी है लगभग यहाँ पे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जूट इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ साथियों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? एकदम आसान प्रश्न है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ये देखना है कितने लोग ऐसे हैं जो सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए तैयार है, कितने लोग हैं जो अपना बेहतर देने के लिए तत्पर है। फटाफट कमेंट करिएगा, गलत या सही उत्तर दीजिएगा। सोचिए, अपने आप को परीक्षा हाल में है, गलत हो जाएगा तो कोई गोली थोड़ी ना मार देगा, लेकिन हाँ, यहां से गलतियों से हम सीखते हैं। यहां पे मत्स्य पालन होगा। जी हाँ, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, मछली पालन से है, एकदम सही जवाब है। जी हाँ साथियों, बहुत सही, ऐसे बने रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब ये देखना है, अगर ये प्रश्न जिसने सही जवाब दिया वह असली में पता चलेगा कि वह सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने के लायक है, वह सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनने लायक है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताइए। एकदम सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा राज्य यहां पर कौन सा है? एकदम आसान, राजस्थान इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जैसे अगर हमने यहां पे भारत का मैप बना दिया,
ठीक है, माना ये हमारा भारत का मैप है। यहाँ पे सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो जी हाँ, ये क्षेत्र का जो ये बेल्ट है इसे राजस्थान के नाम से जानते हैं। यह सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे पहला स्थान है, और पहले पे देखा जाए तो पहले पे राजस्थान है, दूसरे पर क्या है आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे पर क्या है महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है। यह भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथे नंबर पर है। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, एकदम रट लीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी नौकरी करनी है, इसलिए कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? जी हाँ, ये फेसबुक पे लेने पर दुर्गेश लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे लेने पर दुर्गेश लाइव चल रहा है, तो फटाफट कमेंट करिएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं और उत्तर भारत का किसे कहते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। सभी साथी, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो गलत या सही जवाब देना सीखिए, क्योंकि गलतियों से ही मनुष्य सीखता है, और जिस समय परीक्षा हाल में होंगे वहां पर एक गलती नहीं करना है, सारी गलती आपको मेरी क्लास में कर लेना है और सभी गलतियों को सुधार लेना है। एकदम सही जवाब आ रहा है, कोयम्बटूर। जी हाँ, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, एकदम राइट है। ये तमिलनाडु के दूसरे सबसे बड़े औद्योगिक शहर कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर कहां पे, अगर हम यहां पे दक्षिण भारत का मैप बना दें तो यहां पर, तो यहां पर आपका है, माने ये तमिलनाडु है, और ये तमिलनाडु में आपका क्या है, कोयम्बटूर है। इसलिए बात जानते रहिएगा कि मैप में अगर आपको बताना हो तो आप आसानी से बता लेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कहां स्तूप नहीं है? एकदम हलवा प्रश्न, आजकल ये प्रश्न काफी ट्रेंडिंग है, नहीं वाले प्रश्न, ठीक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। देखिए, अगर आपने इस वीडियो में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप अपने आप एक शिक्षक मानते हैं तो मुझे एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। लाइक करने से पैसा नहीं कटेगा, मोटिवेशन मिलता है, यार हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आपकी संख्या कितनी बेहतर हो रही है। ये क्लास आपकी है, मैं आप सभी शिक्षकों के लिए समर्पित करता हूँ। मैं स्वयं शिक्षक हूँ, सरकारी शिक्षक हो गया हूँ, आप सबके माता पिता के आशीर्वाद से निःशुल्क क्लास मैं आपके लिए दे रहा हूँ, लेकिन एक उम्मीद है, लोगों तक पहुँचाइए। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, यहाँ पर सांची में स्तूप है, धमेक में स्तूप है, ठीक, और भरतों में, रांची में कोई भी स्तूप नहीं है, इसलिए जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का उत्तर डी आपका राइट आंसर होगा। जी हाँ, डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, मैं अपनी क्लास निःशुल्क देता हूँ, लेकिन बाकी टीचर के पेट है, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, उनका खर्च कहाँ से चलेगा, इसलिए जब उनकी क्लास जुड़ेंगे तो उन सबको भी आप मदद कर पाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से भारत की श्रिम राजधानी क्या है? सबसे पहला जवाब किसका आता है? आज हमें यह देखना है कि कौन इस प्रश्न का जवाब सही से दे पाता है। लोग, निम्न में से भारत की श्रिम्प राजधानी कहाँ है? क्या गजब का प्रश्न है, विविध का। आज ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, और कितने लोग नहीं बता पाते इसकी स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप पे लगाइएगा, और ये देखना है आपको कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रश्न को बता पाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिसका जवाब नहीं दे पाते। देखिए, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पहला काम लाइक करने के बाद अगर शेयर कर देंगे तो आपके मित्र के पास, आपके परिवार के लोगों के पास जाएगा, वो लोग भी पढ़ेंगे और वो भी सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। कर भला तो हो भला। मैं सभी, मैं अपना काम छोड़कर मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूं, मैं कभी नहीं चाहता आपकी क्लास कोई भी छूटे, तो आपसे बस इतना निवेदन है कि आप अपना बेहतर दें, वीडियो को सभी साथी मित्रों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा नेल्लूर। जी हाँ, नेल्लूर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एकदम रट लीजिएगा, नेल्लूर है, नेल्लूर कहाँ पर है? यह झींगा, जी हाँ, झींगा मछली के लिए आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है, इसे भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, ध्यान से लिख लीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा के लिए। किसके लिए? झींगा के लिए प्रसिद्ध है। और झींगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा, श्रिप कहते हैं।
इसे अंग्रेजी में श्रिम्प से कहते हैं, इसलिए झींगा की राजधानी भारत में कहाँ है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा कि भारत में झींगा की राजधानी कहाँ पर है, झींगा की राजधानी, तो भारत की झींगा की राजधानी नेल्लूर में है। रट्टा मार लीजिएगा, ऐसे प्रश्न कभी जीवन में गलत मत करिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो यहाँ पर गलती कर सकते हैं। परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा। मैं आप सभी से एक गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, ठीक है, आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी सेलेक्ट होकर जाएं और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। हम आगे बढ़ रहे हैं, ये निशुल्क क्लास आपके लिए है। अगला है रेड डाटा बुक, उन जातियों के बारे में जानकारी देता है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि जो रेड डाटा बुक है वो कैसे जातियों के बारे में जानकारी देता है। एकदम आसान प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जो लोग, देखिए एक प्रश्न आता है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा रेड डाटा बुक IUCN ये रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये विश्व की सभी संकट प्राय जातियों के क्या करती है, उसकी स्थापना 1964 में हुई है और यह संकटपन जातियों को इकट्ठा करने का काम करती है। इसलिए यहां से किसी को भी गलती नहीं होना चाहिए। आपको सिलेक्शन लेना है तो सभी बातें जानते रहिएगा। पहला यह है IUCN का फुल फॉर्म क्या है, रेड डाटा बुक जारी करती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी, और इसका काम है संकटपन्न जातियों को जानना। क्लियर हुआ, किसी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, आपके माता पिता का उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, और आपका उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, तो इसलिए आप सभी साथी जुड़े रहिएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है, एकदम आसान प्रश्न है। उम्मीद करता हूं सभी साथियों के प्रश्न सही होंगे, किसी का भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सभी साथी बताएं, देखिए पादप केवल संकटपन पादप जी नहीं, जीवाश पादप जी नहीं, विलुप्त जीव नहीं, संकट पादप जीव और जंतु दोनों के लिए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ए इसका राइट आंसर है, इस पे ताला ए पर लगाते हैं। मैंने जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। एक बात तो है कि आप लोगों की संख्या इतनी है, लेकिन आप लोगों ने, जितने लोग लाइव हैं उतने लोगों ने इसका लाइक नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि आप मेरे प्रति डेडिकेटेड नहीं, मैं भले आपके लिए हो जाऊं, क्योंकि आपको लग रहा होगा पैसा कट रहा होगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं, फटाफट कमेंट करिएगा। जो भी साथी लाइव है 10 सेकंड है आपके पास, इन 10 सेकंड में जवाब देना है, सभी साथी फटाफट करें। निःशुल्क क्लास आपके लिए राष्ट्रहित में, देश हित में है। सरकारी शिक्षक बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो सभी प्रश्न का जवाब देना है, गलत या सही, और अंत तक बने रहना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं, राउस ऑफ बाउल किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट करिए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो में लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए दो बातें हैं, सबसे ज्यादा चावल कहां पे होता है, सबसे ज्यादा चावल, ज्यादा चावल किस राज्य में होता है, चावल किस राज्य में होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस राज्य में होता है। लेकिन चावल कटोरा पूछा है तो आंध्र प्रदेश को जी हां चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तो भैया अगर पहले स्थान पर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल है। लेकिन चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। रट्टा मार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कभी जीवन में गलती मत करिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और वह आप अगर कर पाते हैं तो आपका धन्यवाद, और आपके लिए ये क्लास सराहनीय होगी और आपके जीवन के लिए यादगार होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं प्रश्न की तरफ। नारा दो बूंद जिंदगी का, ये विविध का एक एकदम यूनिक प्रश्न है कि दो बूंद जिंदगी का किसका स्लोगन है, किसका नारा है, फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे गलत या सही। दो बूंद जिंदगी का सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसका उत्तर तो पता होना चाहिए मालिक आप सभी को। बताइए दो बूंद जिंदगी का मतलब क्या होगा,
रक्तदान, जल बचाओ, पल्स पोलियो, दो बूंद जिंदगी का पोलियो, ये रटा रटा है प्रश्न है, विविध का प्रश्न है। पांच नंबर यहां से आपके फंस जाएंगे अगर आप इस क्लास को पूरा अंत तक पढ़ लिए तो। हम आगे बढ़ने के लिए प्रश्न की तरफ। एकदम सही जवाब, सभी ने सही जवाब दिया है, सभी को बधाई, शुभकामनाएं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सांड की लड़ाई किस देश में प्रसिद्ध है? सभी साथी फटाफट जवाब दें, ये कुछ दिन पहले विवादों में रहा, बताइए कमेंट करके, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? एकदम हलवा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिएगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपको अगर आपको लग रहा है ये क्लास किसी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, किसी गरीब से का इससे सिलेक्शन हो सकता है, तो उनके लिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। लाइक करने के बाद पैसा नहीं कटेगा आपका, कर भला तो हो भला। एकदम सही, एकदम सही जवाब आप सब कह रहे हैं, स्पेन इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ साथियों, स्पेन इसका सही जवाब होगा। रट्टा मार दीजिएगा, एकदम रट लीजिए, स्पेन इस प्रश्न का सही जवाब है। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला है, स्पेन था, अगला है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? फटाफट कमेंट करिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव हैं वो फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जवाब देंगे, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। देखिए, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री पूछा है, पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर है। वल्लभ भाई पटेल ये इसके पहले हैं, और सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा, सबसे प्रश्न को बना ले रहा हूं, ज्यादा उप प्रधानमंत्री देने वाला राज्य कौन सा है? वाला राज्य किसी को पता है? गुजरात है, लिख लीजिएगा। गुजरात भारत में सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिया है, रट्टा मार दीजिएगा, एकदम रट्टा मार दीजिएगा। दूसरा, ये पहला हो गए और मोरारजी देसाई दूसरे हैं, एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। हाँ, लाल की साइड हमारी अंतिम और तीसरे भी है, ठीक है, सभी गुजरात राज्य से हैं। अभी तक सात उप प्रधानमंत्री हुए हैं, अभी तक सात उप प्रधानमंत्री हुए, सात ठो लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा। सात में कौन कौन? वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, और आपके लाल की साइडवाड़ी, जगजीवन राम, यशवंत राम चौहान, देवी पाल, चौधरी चरण सिंह, सात लोग भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा, जिसमें से सबसे ज्यादा गुजरात राज्य से रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? आपकी सीरीज अगर हल कर लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न शिक्षक भर्ती में आपको हूबहू मिलेंगे, जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं वही आपके परीक्षा में आएंगे, एकदम हूबहू। 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिए अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, सरकारी नौकरी करना है, तब। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जिम कार्बेट कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, इसका पुराना नाम क्या था? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे, इसका पुराना नाम क्या था? ये भैया उत्तराखंड राज्य में है, इसका पुराना नाम क्या था? ये उत्तराखंड है, ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका पुराना नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को, भैया सिलेक्शन लेना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, नेशनल हेलीपार्क इज राइट आंसर, बहुत सही, लगे रहो मित्रों, लगे रहो, नौकरी तो आपके कदमों में आएगी, ऐसे ही लगे रहो शेरो, नौकरी आपको जरूर मिलेगी। जी हाँ, जितने भी अध्यापक अध्यापिका इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शुभकामनाएं। पहले, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? इसमें गलत कथन छाटना है, फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी अध्यापक अध्यापिका इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है, बताइए सभी साथी, ध्यान से देखिएगा। यहां पे रणथंभौर राजस्थान में है, ठीक है, रण सरिस्का
राजस्थान में है, सांबर अरण यहां पर, लेकिन राजा जी राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में नहीं है, कहां पर है सभी साथी बताइए? यह उत्तराखंड में है। यह कहां पर है? उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। एकदम सही जवाब, एकदम राइट आंसर। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर जितने भी सरकारी शिक्षक शिक्षिका हैं यहाँ पे, कितने प्रश्न आपके तैयार? चार प्रश्न तैयार। पहला, रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है। सांबर कहाँ पर है? राजस्थान में है। लेकिन राजा जी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। जी हाँ, एकदम राइट आंसर है। अगर आपको सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनना है तो सारे प्रश्न का जवाब देना होगा एकदम से, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट आपको बचानी है। हम आगे बढ़ रहे हैं, चलिए हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? विविध की क्लास है, आपके जीवन की एक ऐतिहासिक क्लास होगी, जहां से सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। फटाफट कमेंट करिएगा जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? फटाफट कमेंट करिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिए, बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। एकदम हलवा प्रश्न है। अरे भैया, अगर हम यहाँ मैप बना दें, क्योंकि हमें मैप से भी पढ़ना है, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी जो करनी है, आपको सरकारी नौकरी करनी है, और इसीलिए तो आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं, वरना पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। ये देखिए, हमारा भारत हो गया, काम चला हुआ, बहुत अच्छा भारत नहीं बना है यार। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, ठोको लाइक ठोको शेयर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काजीरंगा की बात कर रहा है, तो काजीरंगा यहाँ पे, ये देखिए, ये बेल्ट जो है ये असम है। कौन सा राज्य है? इसी का नाम असम है, और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कितने? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एकदम राइट आंसर है। बहुत अच्छा भारत तो नहीं बन पाया, काम चलाओ भारत बना, क्योंकि मुझे एक ही चीज करना है, आपको लोकेशन दिखाते चलना है। जी हाँ, क्योंकि आपको कभी दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर है, पृथ्वी पर सबसे लंबा टिकने वाला वृक्ष कौन सा है? ये विविध चल रहा है, एकदम राइट आंसर आपको देना है, ये विविध का प्रश्न है। जी हाँ साथियों, सभी साथी फटाफट कमेंट कर जवाब दें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जवाब दें। जी हाँ, देखिए ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप सब 6306344367 पर करके जुड़ सकते हैं। ये जौनपुर जनपद से चलती है, प्रतिदिन निःशुल्क 9:30 बजे। एकदम अपने मित्र को बता दीजिए, सिलेक्शन लेना हो, विविध के बाद अगली सीरीज शुरू होगी। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला वृक्ष कौन सा है? कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। यार इतना सरल प्रश्न आप लोग नहीं जवाब देते। देखिए, इसका उत्तर होगा शिकुआ। डी इसका राइट आंसर होगा शिकुआ। पृथ्वी पर सबसे लंबा टिकने वाला, इसे शिकुआ कहते हैं। इसका नाम है सिकोइया, इसे एक प्रश्न नाम से और जानते हैं, सिकोइया। ठीक, अंग्रेजी में अगर इसे देखें तो SEQUIA। ठीक है, ये लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग ये 83 मीटर होता है। लगभग क्या होता है? यह 82 से 83 मीटर तक होता है। इसका लगभग ये 2100 वर्ष पुराना वृक्ष है। कितना? 2100 वर्ष पुराना वृक्ष है, 2100 साल पुराना वृक्ष है, इसलिए इस प्रश्न को सिकोइया भी आ जाता है, सिकुआ आ जाता है, तो कहीं गलती ना हो जाने पाए, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को जानते रहिएगा एकदम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी इसको नोट डाउन कर लेंगे, सिलेक्शन लेना है तो बाकी आपकी इच्छा। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यार प्रश्न का ट्रेंड बदल रहा है, अब कठिनाई का स्तर बढ़ाया जा रहा है। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब देंगे। एकदम राइट आंसर है,
जी हाँ, एकदम सही जवाब देना है, ग्रीन पार्क। ये भैया अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश प्राइमरी जूनियर शिक्षक बनना है, सरकारी शिक्षिका बनना है आपको, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, एकदम से समझ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। कानपुर इसका राइट आंसर है, डी इसका सही जवाब होगा। अगला है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? सभी साथी जवाब देंगे। ये विविध के साथ साथ जीएस साइंस मतलब 50 नंबर की एक मैराथन सीरीज है। इस सीरीज को अगर एक बार आप पूरा देख लेते हैं तो 50 नंबर की बेहतर सीरीज तैयार होगी, जिसमें विविध से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे यार, लाइक ठोक के शेयर कर दीजिए। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया, ईश्वर करे वो जल्दी से सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बने। जितने लोगों ने इस काम में अपना योगदान दिया है, ईश्वर उन्हें पहली बार में अगली बार जब भी बैठे उनके दामन में शिक्षक और शिक्षिका का पद हो, और अपने अपने विद्यालयों पर जाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसे हम NIC कहते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद। इस परिषद का गठन राष्ट्रीय एकता में समाधान हेतु किया गया था। इसकी जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक वो कब हुई थी पता किसी को? 1962 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसकी पहली बैठक 1962 में हुआ था। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, रट्टा मार दीजिए आप लोग। सिखों के धार्मिक स्थल में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में है? एकदम सही जवाब देना है आपको, क्योंकि कुछ दिन पहले यह आपके लिए आया हुआ था। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, नहीं है, तीन है और एक नहीं है, जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, डेली 9:30 बजे, 9:30 बजे सरकारी शिक्षक बनने के लिए मैराथन क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश निःशुल्क आपके लिए लाइव ई लर्निंग दुर्गेश की तरफ से चलती है। मैं स्वयं सरकारी अध्यापक हूँ, मैं अपने बचे हुए समय में अपना समय निकाल कर आपके लिए अपना बेहतर देता हूँ, ताकि आप सभी भविष्य में हमारी तरह सरकारी शिक्षक या हमसे ऊपर भी जाकर जूनियर में शिक्षक बने और अपने माता पिता, अपने परिवार, अपना नाम रोशन करें। देखिएगा यहाँ पर एक एक प्रश्न को हमें जानना है। यहाँ पर केशवगढ़ साहिब भारत में है, पाउटा साहिब भारत में है, नांदेड़, लेकिन ननका साहिब जो है यह गलत है, और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह सिख के प्रथम गुरु नानक देव से संबंधित है, ठीक है। यह धार्मिक स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको ए लगाना है, क्योंकि नहीं पूछा है, गलत कथन पूछा है। तो गलत कथन कौन सा होगा जो इसमें से नहीं होगा? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। सभी साथी फटाफट कमेंट करते रहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेकिंग किसका धर्मस्थल है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, पेकिंग किसका धर्मस्थल है? सभी साथी फटाफट जवाब दीजिएगा, पेकिंग किसका धर्मस्थल है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, पेकिंग किसका धर्मस्थल है? देखिए यहां पे आपका मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, ताओवाद का पेकिंग धर्मस्थल है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? ये विविध का सिलेबस है, 30 नंबर की सीरीज में आपको आज 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी। एक बार इस सीरीज को पूरा देख लिया तो 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। भैया यार, आप लाइव इस वीडियो को शेयर करके कम से कम 1000 से ऊपर संख्या कर दीजिए। अगर आप भी मेरी तरह शिक्षक होते या मेरी जगह आप पढ़ा रहे होते, तो क्या आप बार बार शेयर करने के लिए नहीं कहते? क्या आप नहीं चाहते आपका ज्ञान लोगों तक पहुंचे? क्या आप नहीं चाहते हमारी मेहनत की वजह से और लोग सेलेक्ट होकर बेशिक्षक परिवार में जाए? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इतना काम जरूर करिएगा। आइए इस प्रश्न का जवाब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है। तो इसके बारे में देखते हैं, आगरा किला 1983 में, लाल किला 2007 में, जैसलमेर किला 2013 में, आमेर का किला 2013 में। अब आप बताइए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब तुरंत दे पाएंगे।
जी, विश्व धरोहर सूची में जो स्थान दिया गया था चार स्मारकों में, पहला जो इसमें आगरा होगा, इसलिए ए फॉर आगरा इस प्रश्न का जवाब ए यहाँ पर सही जवाब है। आप इलनिबी दुर्गेश को अपना परिवार मानिएगा, और अगर आप बेसिक शिक्षा में आने जा रहे हैं तो बेसिक शिक्षा के परिवार में हम भी हैं और इस परिवार में आपका स्वागत है, और इसलिए लोगों को तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, आगरा 83 में होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर का स्मारक नहीं है? सभी साथी फटाफट, क्योंकि दिल्ली पूछा है, दिल्ली में कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर में स्मारक नहीं है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को में एक थोड़ी सी कमी हो गई है। देखिए, कुतुब मीनार है, लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, लेकिन यहां पर जंतर मंतर जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। इसलिए यह गलत है और यही सही है। यहां से ध्यान दीजिएगा सी, क्योंकि कुतुब मीनार दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जंतर मंतर जयपुर में है, और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा? जंतर मंतर होगा। समझिए, रटिए, देखिए, आप सोचिए क्या क्या पता चला आपको। कुतुब मीनार दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जंतर मंतर जयपुर में, और इसे 2010 में सम्मिलित किया गया था। विश्व धरोहर सूची में इसे 2010 में सम्मिलित किया गया था। मैं आगे चल रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। क्या आप लोग मदद करेंगे इतनी कि इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में पहुंचाने का, इस वीडियो को अपने फेसबुक पे पोस्ट करने का, इस वीडियो को अपने स्टेटस पे जगह देने के लिए? अगर हाँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा मेरी तरफ से। मेरी आत्मा, मेरी मेहनत का प्रतिफल निकल जाएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए प्रश्न तैयार करता हूँ और आपके बीच लाइव आ जाता हूँ एकदम अपने सारे काम छोड़कर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? एकदम सरल प्रश्न है, मैं आपका यहाँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको करने हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, ये आपको सबको पता होगा। मुझे नहीं लगता किसी का उत्तर गलत होगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ये पूछ सकता है वैज्ञानिक नाम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कोई कमेंट करके बताए इस प्रश्न का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा है, नीलम्बो न्यूसीफेरा, न्यूशी फेरा इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब फटाक से दीजिए, मैं आगे बढ़ू, एकदम सरल है, मतलब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, एकदम हलवा वाला प्रश्न है। आइए, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट शिक्षिका बनने की तैयारी कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपको ये पता होगा। आगे बढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तुर्गे सर सर्च करके सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे जिनको डेली क्लास पढ़नी है, सिलेक्शन लेना है। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ये निःशुल्क क्लास आपको प्रतिदिन 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, फटाफट कमेंट करिए। आज आपको 500 के ऊपर पहुंचाना संख्या, आज आप 500 के ऊपर संख्या पहुंचा सकते हैं, थोड़ी सी मदद करिए, इस क्लास में और मजा आएगा। 9:30 बजे लाइव आइए सभी साथी। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? देखिए, दक्षिण भारत की अगर सबसे प्राचीन भाषा की बात की जाए तो भैया आप लोग कमेंट करके बताइए, वरना हम तो इस प्रश्न को बताएंगे। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। कौन सी है? तमिल है। तमिल जो है ये द्रविड़ परिवार का एक प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, याद रखिएगा। किस परिवार का? तमिल जो है द्रविड़ परिवार का, द्रविड़ परिवार का, द्रविड़ परिवार का सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि यह 3000 ईसा पूर्व, यह 3000 ईसा पूर्व से भी पुराना है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इसके शिलालोक के भाषा प्राप्त हुए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। सोचिए, अगर पूछ लिया जाए तमिल किस परिवार का है तो द्रविड़ परिवार का है, ये 3000 ईसा पूर्व बोली जा रही है, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या होगा आपका? तमिल इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ।
आप लोग जुड़े रहिए, कॉपी कलम बनाकर लिखते चलिएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट कोई समस्या हो तो जरूर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, स्कूलों के नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा है? अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जेएनयू को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है कि जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी किया जाए। तो इसलिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए, ध्यान से देखिएगा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा स्कूलों में कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है। एकदम राइट आंसर, नवोदय स्कूल। नवोदय स्कूल इसका सही जवाब होगा। ये नवोदय विद्यालय का स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर किया गया था, ठीक है, जिसका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया था। ठीक, कितना? 1985 में जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया था, ठीक है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ साथियों, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 1985 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया था। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भू विज्ञान शाखा से विविध के लिए एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनना चाह रहे हैं, अध्यापक या अध्यापिका बनना चाह रहे हैं, यह प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भू विज्ञान शाखा से है? एकदम राइट आंसर आपको देना है। मौसम विज्ञान नहीं होगा भू विज्ञान से, मानचित्र कला नहीं होगा, ब्रह्मांड विज्ञान नहीं होगा, इसका मतलब जीवाश्म विज्ञान जो है इसका संबंध किससे है? भू विज्ञान से है। मतलब थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया और आपको प्रश्न का जवाब आसानी से मिल गया। मैं आगे बढ़ना अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त किया है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये प्रश्न गलत है। यहाँ पे सभी है, पहले 6 थे, ठीक है, 6 थे लेकिन अब 7 हो गए। इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो गई, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। तृणमूल कांग्रेस पहले नहीं था लेकिन ये 2016 से तृणमूल कांग्रेस भी हो गया। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पर चारों हैं। प्रश्न थोड़ा सा गलत है इसलिए इसको आप लोग जानते रहिएगा। कब से? 2 सितंबर 2016 से इनकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। कितनी हो गई? 7। इसलिए प्रश्न गलत है, इसको गलत कर लीजिएगा। इसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, प्रश्न को टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई, तृणमूल कांग्रेस भी अब हो गया। 7वां अगर पूछ देगा तो तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, इसलिए प्रश्न को गलत हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे 4 पहले नहीं था, अब ये भी हो गया 2016 में। अब कितने हो गए? 7 हो गए, पहले कितने थे? 6 थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, कागज की खोज कहाँ की गई थी? कागज की खोज कहाँ की गई थी? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कागज की खोज कहाँ की गई थी? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, 7 का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, CPIM, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, NCP और फिर तृणमूल कांग्रेस। 7 को नाम मैंने बता दिया। कागज की खोज एकदम सरल जवाब है आपका, सभी को जवाब देना है और आपकी जिम्मेदारी है 500 को ऊपर संख्या पहुंचाने की, और आप चाहें तो 1000 से ऊपर संख्या जा सकती है। थोड़ी सी मदद करना है, अगर आपको लग रहा है कि आप सरकारी शिक्षक बनने की क्लास चल रही है, इस प्रश्न का उत्तर चीन इसका राइट आंसर होगा, चीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 9:30 बजे क्लास चलती है, अलार्म लगा लीजिए, सिलेक्शन वाली क्लास, विविध जिसका कोई भी नहीं है। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? एकदम आसान प्रश्न है और ये विविध है, यहाँ पे सभी विषयों का समावेशन है। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और जवाब देते रहिएगा। सभी साथी, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए यह पुर्तगाल से लिया गया शब्द है, कहाँ से? ये पुर्तगाली शब्द है आपका। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका है, इमारत विश्व की सबसे बड़ी इमारत है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। ये डेली क्लास 9:30 बजे निःशुल्क चलती है, अन्य क्लास के लिए
आप यहाँ पे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ई लर्निंग में दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, नोट्स और क्लास संबंधित। ये जौनपुर जनपद से क्लास 9:30 बजे ई लर्निंग में दुर्गेश पर निःशुल्क चलती है, सरकारी शिक्षक बनाने के लिए। मैं स्वयं सरकारी शिक्षक हूँ, आपको निःशुल्क पढ़ाने के लिए एकदम टाइम से आ जाता हूँ और आप भी टाइम से आ जाया करिए। कौन सी इमारत सबसे ऊंची है? देखिए यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसका उत्तर क्या होगा, तो बुर्ज खलीफा इसका सही जवाब होगा। बुर्ज खलीफा कहां पर है? यूएई में है। इसकी ऊंचाई अगर बात की जाए तो 828 मीटर है, 828 फीट में पूछेगा तो 2716.5 फीट है, ठीक है, मीटर फीट दोनों में याद रखिएगा। कहां पर है? यूएई में है। क्लियर? बुर्ज खलीफा इसका सही जवाब होगा। क्लियर? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। कुतुब मीनार कहां पर है? एफिल टावर कहां पर है? ये सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगला प्रश्न है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? ये विविध का प्रश्न है और आपके सिलेक्शन के लिए प्रश्न है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे वो जल्दी सरकारी नौकरी करें। जितने लोगों ने वीडियो का लाइक किया है, भगवान करे जिंदगी भर ऐसे करते रह जाएं जैसे आज कर रहे हैं। और अच्छे लोग जितने हैं वो जल्दी सरकारी नौकरी करें, क्योंकि अच्छे लोग का इंतजार ये बेसिक शिक्षक परिवार कर रहा है। और आप सभी का बेसिक शिक्षक परिवार में स्वागत है, जहां मैं आपको निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप भी सरकारी शिक्षक शिक्षिका बने, अध्यापक अध्यापिका बने। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मैं आज गेस्ट फैकल्टी के रूप में लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क पढ़ाने के लिए आ गया हूं। बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? देखिए बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, ठीक है। इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली क्या है? बंगलुरु को कहा जाता है। भारत की आईटी कैपिटल है, भारत की आईटी राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में कौन सा शहर औद्योगिक शहर नहीं है? एकदम इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर नहीं है? माने गलत कथन को छांटना है। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इसका जवाब आप जरूर देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छे लोग को ब्लेस दिया जाता है, बुरे लोग को नहीं, क्योंकि जिनकी मानसिकता बुरी होती है उन्हें इसका कोई भी राइट नहीं है। मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अच्छे लोग अच्छे जगह जाए, ताकि अच्छों की पहचान हो सके, वरना बुरों में गिनती हो जाएगी। अच्छों के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे काम का प्रतिफल हमेशा अच्छा होता है। इसलिए कर भला तो हो भला। देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन औद्योगिक शहर नहीं है, तो इसका मतलब है आप इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। इलाहाबाद नहीं है, कानपुर है, बंबई है, जमशेदपुर है, ये नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गलत जोड़ा है? तीन सही एक गलत है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कौन सा जोड़ा गलत है। तीन सही है एक गलत है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। सभी साथी किसी भी क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पे सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे निशुल्क क्लास, निशुल्क नोट्स मिल जाएगी। और ये शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की विविध की क्लास 9:30 बजे निशुल्क चलती है, अलार्म लगा लीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन सही जवाब, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, मद्रास फ्रांसिस सही है, कलकत्ता लॉर्ड क्लाइव। तो भैया जी कलकत्ता का जो संस्थापक था जाप चारनोक था, कौन था? चार नोक था। इसलिए जो गलत है वही सही है, इस प्रश्न का उत्तर डी आपको सही चयन करना होगा, ठीक है। क्लियर किसी को हुआ? कोई समस्या बताइए। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं और रेस के घोड़े को दौड़ा दीजिएगा। जॉब चारनोक इसका नाम, पूरा नाम है जॉब चारनोक। क्लियर हुआ ना? चार प्रश्न आपके हो गए, ठीक है। अगला है, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मैंने बताया विविध है, ये विविध है आपका। और विद्यामय कसम मैं इसलिए कहता हूं एज ए टीचर के तौर पर, एज ए साथी के रूप में, क्योंकि बचपन हम लोग ऐसा करते थे। मुझे लगा कि ऐसे क्या होती है, हम अपने बचपन को याद कर पाते हैं और बच्चों के साथ जुड़ाव महसूस कर पाते हैं और बेहतर शिक्षा के लिए जुड़ पाते हैं, ठीक है। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मैं चाहूंगा आप जल्दी से जवाब दें। तो राज्य शब्द का सबसे पहले मैकियावेली ने किया था, किसमें? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात की जाए, किस पुस्तक में इसका जिक्र किया था? किसी को पता है? द प्रिंस में, द प्रिंस में
इन्होंने इसका जिक्र किया था। याद रखिएगा, मैकियावेली ने द प्रिंस किताब में सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रश्न याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पुस्तक का नाम द प्रिंस है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, सिप्रथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना जाता है, कहां पर है? तो याद रखिएगा, मैं आपका प्रश्न का ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, एशिया की सर्वोत्तम पुलिस थाना चुना गया था किसे? ये जयपुर में है। कब चुना गया था? तो याद रखिएगा, 2009 में। कहां पर? सिप्रपथ पुलिस थाना जयपुर में है। क्लियर, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, मैं आपका समय नहीं लूंगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है? एकदम आसान प्रश्न है, इसको जरूर जवाब देना है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, जिसको मैं आपके लिए रात भर जग के सिलेक्ट करता हूं, ताकि आप भी सरकारी शिक्षक बन सके, सरकारी नौकरी कर सके। और ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, आपके माता पिता आप पर भरोसा करें और आप भी अपने माता पिता के लिए कुछ बेहतर करें। ये क्लास देश हित में, राष्ट्र हित में निःशुल्क है, ताकि आप सभी भी एक राष्ट्र के लिए एक बेहतर शिक्षक बनकर इस बेसिक परिवार में। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ध्यान दीजिएगा, ग्रीन पीस है। क्या होगा? ग्रीन पीस होगा, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बातें कर लेते हैं। ग्रीन पीस एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1971 में, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैंकूवर में हुई थी। लिखते चलिएगा, मैं उसे पढ़ा चुका हूँ, वैंकूवर में हुआ था। वैंकूवर कहाँ पर है? कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा में है। एकदम रट्टा मार दीजिएगा, ठीक है। इसमें 40 से अधिक देशों में इनका कार्यालय है। भारत भी इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय पूछ दिया था, मुख्यालय भारत इसमें सम्मिलित है, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पता किसी को? एमस्टर्डम में है। कहाँ पर है? एमस्टर्डम में। एमस्टर्डम कहाँ पता है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी पता है? हैग है। हेग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। हेग में क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है? क्लियर। देखिए, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए आपको इस टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, सभी क्लास के लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सभी फ्री क्लास, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती, केवीएस, डीएसएसबी, सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इलेरी पे, दुर्गेश पर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर हुआ? ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1971 में वैंकूवर कनाडा में किया गया था, जिसका मुख्यालय एमस्टर्डम नीदरलैंड में है। भारत भी इसका सदस्य है। भारत इसका सदस्य है। भारत सदस्य देश है। सदस्य देश है, ये भी जानते रहिएगा। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जवाब देंगे। सरकारी शिक्षक बनने के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लाइव आ रही है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि वन महोत्सव किससे संबंधित है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। विद्या माई कसम, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग सुनना चाह रहे थे कि आज विद्या माई कसम नहीं कहा गया, ठीक है। बताइए, वन महोत्सव किससे संबंधित है? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। आप लोग को बचपन की याद दिलाने के लिए कसम आ जाती है, ताकि आप लोग शेयर करें। वन महोत्सव संबंधित किससे है? देखिए, वन महोत्सव का संबंध अगर देखा जाए तो पेड़ लगाने से है। किससे है? पेड़ लगाने से। जी हाँ, प्रकृति को हरा भरा करने के लिए है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, पेड़ लगाना। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। काफी देर से काफी लंबी क्लास चली है। दिन अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो 9:30 बजे इलनी दुर्गेश पर लाइव। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन लाइव आएंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जुड़ जाएंगे। सभी निःशुल्क क्लास आपको यहाँ से मिलती रहेगी, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए। ऑनलाइन क्लास संबंधित यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और ये जौनपुर जनपद से ये क्लासेस संचालित होती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं स्वयं
गवर्नमेंट शिक्षक हो चुका हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप सभी गवर्नमेंट शिक्षक बने और आप अपना बेहतर दें। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितनी मेहनत से, जितनी ईमानदारी से मैं अपना बेहतर दे रहा हूँ, अगर आपने भी उतनी मेहनत और ईमानदारी से डेली की क्लास को लाइव अगर पढ़ा तो यकीनन आप सरकारी शिक्षक जरूर बनेंगे। कितने ऐसे साथी हैं जो प्रतिदिन 9:30 बजे वीडियो पर लाइव आ जाएंगे, बाद में भी देखने वाले कमेंट करके जरूर बताएंगे, वाई कमेंट करिएगा कि कितने लोग प्रतिदिन 9:30 बजे एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए इस वीडियो पर लाइव रहेंगे। अपने सभी साथी मित्रों को 10-10 लोगों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ईश्वर करे जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है वे जल्दी से सरकारी शिक्षक बने, जितने भी गोला लगाएं परीक्षा हाल में उनका एक भी गोला गलत ना हो। जितने लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, मैं हमेशा उनका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि यह एक वीडियो, एक निःशुल्क शिक्षा की क्लास किसी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। जल्दी करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती रहेगी, तो यह आपके संख्या बल पर डिपेंड करती है। आपको चाहिए कि अगर आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश की मदद करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, संख्या बल देंगे, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। अगर घोड़ों से खेत जुतवाया जाए और गधों से रेस कराई जाए तो क्या नजारा होगा, इसलिए आप सभी रेस के घोड़े हैं, ठीक। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी की वजह से मुझे गृह जनपद जौनपुर मिला है और कार्यकाल भी चल रहा है और हम लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में निशुल्क क्लास लेकर आता हूँ, 9:30 बजे प्रश्नों को तैयार करता हूँ और आपके बीच लेकर आता हूँ, ताकि आप भी सरकारी अध्यापक और अध्यापिका बन सके। और आपको बचपन से याद को जोड़ने के लिए विद्या माई को लेकर आता हूँ, क्योंकि NCF 2005 कहता है, क्या कहता है, NCF 2005 कहता है कि बच्चों को उनके वास्तविक ज्ञान से न जोड़ने की जगह उनके पर्यावरण के ज्ञान से जोड़िए, उनके बचपन से जोड़िए, उनके आसपास के लोगों से जोड़िए, और इस तरह उन्हें हंसाते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है, मेरा उद्देश्य आपको सरकारी नौकरी के पहुँचाने वाले उस मंजिल तक लेकर चलना है, लेकिन आप अगर साथ देंगे यकीनन आप उसमें जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लगातार साथ देने के लिए, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यह वीडियो फेसबुक पेज लेनी विद दुर्गेश, यूट्यूब पर, दोनों पर निःशुल्क चल रही थी, और स्टडी विद दुर्गेश सर एक और चैनल है, बाकी क्लासेज आपको स्टडी विद दुर्गेश सर पर मिलेंगी, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, इसका उत्तर तो आपको भी पता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, क्योंकि चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो इंस्टाग्राम मिलनी भी दुर्गेश, हमारे दुर्गेश सर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपके लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं और आप लोग अच्छी तरह से मेहनत से पढ़ रहे हैं और इतनी रात गए आप हमारे साथ लाइव हैं, मुझे भी इस बात से खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद, अब चलते हैं, बाय बाय। और आप अपने माता पिता के, अपने परिवार को उम्मीदें हैं, इसलिए मेहनत करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका मेहनत करना आपके परिवार को खुशहाल रख सकता है, आपके परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है। इसलिए आप अपने साथ साथ अपने परिवार के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं, अपने जीवन का बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि आप रेस के घोड़े हैं और आपको इस रेस में विजेता बनना है, क्योंकि इस रेस में केवल प्रतिभागी करना हिस्सा नहीं है, और आपको इस रेस का एक मेधावी रेसर बनना है और विजेता बनकर लौटना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी संख्या रही आपकी, बहुत अच्छा लगा मुझे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और ईश्वर करे जल्दी से आप लोग अपने अपने विद्यालयों को जाएं, आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए, आप बेहतर करते रहें। बाय बाय। सबनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी साथियों का धन्यवाद, मैं नाम नहीं ले पाता क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, चयनित होना है। बाय बाय, अब हम चलते हैं, अच्छा साथ दिया आप लोगों ने।